बाबाजों का इस्तकबाल जो इस अजीम कारनामे के शायान शान ही कीजिएगा। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अभिनंदन का जहाज मार गिराकर सितारे जुर्रत पाने वाले विंग कमांडर नुमान अली खान और Su-30 जैसा जदीद तरीन तैयारा गिराकर तमगाए जुर्रत पाने वाले स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी का। आप नुमान भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, पूरी कौम जानना चाहती है कि 27 फरवरी को जब आप कॉकपिट में मौजूद थे और आपने रडार पर दुश्मन के तैयारे देख लिए, उसके बाद आपके जहन में क्या चल रहा था, प्लीज़ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुजदिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा और ये दुश्मन की फजाइया की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है और ये रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान कायम रहेगा। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया उसमें बड़ा फ़र्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस के सी वी आर हेयर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज़ पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज है। और आप यकीन करें कि उस वक्त जो मेरी फॉर्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे, तो उस वक्त हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। सुभान अल्लाह, हमारी दुआ है कि आपके शाहीन इसी तरह झपटते रहें और झपट कर पलटते रहें। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, तमगाए जुर्रत माशाल्लाह। हसन, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सारी फॉर्मेशन है ये लीड कर रहे थे नुमान भाई और आप भी इसका हिस्सा थे, तो पूरी कौम ये जानना चाहती है कि जब आप दुश्मन पर हमला आवर हुए तो आपके क्या एहसासात, एक यंग ब्राइट एनर्जेटिक खून गर्म खून वाले ऑफिसर के क्या जज्बात थे? वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स, आई कैन रिकॉल वन ऑफ द लेजेंडरी MM आलम साहब इंटरव्यू ऑन अ सिमिलर क्वेश्चन इज सेट के ये जज्बात एहसासात एक्साइटमेंट किसी भी फाइटर पायलट के उस वक्त पीछे रह जाते हैं जब वो महाज में एंटर होता है। तो द सेम वर द फीलिंग ऑफ माइंड द मोमेंट आई एंटर द फाइट, ये एक्साइटमेंट सेंटीमेंट्स जज्बात दे वर वे बैक। द ओनली थिंग ऑन माई माइंड वॉज मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार। तो जब भी और जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन दो जहाज़ों के साथ हुआ। दोबारा भी अगर किसी ने मेरे मुल्क की तरफ देखने की कोशिश की तो जो डैमेज हम आपको देंगे यू वॉन्ट बी एबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इट। सब अच्छी तरह देख लें,
हमारे मुल्क के खिलाफ जो भी आंख उठाएगा वो बहुत अच्छी तरह देख ले के ऐसे जवान यहाँ पे मौजूद हैं। जो एयर फोर्सेस की एम्प्लॉयमेंट है और जो हम मॉडर्न एयर पावर की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। ये ऐसे नहीं है कि आप जहाज उठाएं और लेके चल पड़ें और जाके दुश्मन पे अटैक करें। इट नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। तो दुश्मन की जो बेसिक गलती थी वो यही थी कि ना ही उसको अपनी वीकनेसेस का पता था और ना ही उसको हमारी स्ट्रेंथ का पता था। So they did a basic mistake. They challenged the wrong nation. और मैं आपको आज इस चीज का यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान एयर फोर्स नेशन का प्राइड थी, आज भी है, and it will remain pride of the nation. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। स्क्वाड लीडर हसन सिद्दीकी, आपको इस पर बहुत से यंगस्टर्स आइडियलाइज करते हैं, माशाल्लाह यू आर अ रियल हीरो। मैं जानना चाहूँगा आप यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? For the youngsters, those who are holding weapon in their hand or flying the aircraft or sailing the seas, यही वो लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं या उसकी हिफाजत कर रहे हैं। Everyone who is doing his job to the max in any capacity is serving our nation and serving Pakistan. So keep on doing that. And for the nation, sleep tight. सुभानअल्लाह, स्लीप टाइट, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक। बहुत बहुत शुक्रिया स्क्वाड लीडर हसन सिद्दीकी, तमगा जुरत, विंग कमांडर नुमान, सितारा जुरत, थैंक यू वेरी मच। यू आर रियल हीरोज, वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें इतनी खुशी है कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते।